प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार राहुल गांधी डरपोक बोल रहे हैं, तो डरपोक कौन है? डरपोक तो मैम वो खुद ही है, क्योंकि उन्होंने जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई काम नहीं किया ऐसा देश के लिए। और जहाँ तक मेरा मानना है एज ए स्टूडेंट, एज ए नवा नागरिक, युवा नागरिक, कि मोदी सरकार जी ने इतना बढ़िया काम किया देश के लिए, मैंने देखने 10 साल तक मैंने देखा नहीं किसी को, मनमोहन सिंह को भी काम करते हुए बढ़िया। आपका नाम सूरज, आपके बोलोगे भारत का अगला प्रधानमंत्री 2019 में कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नरेंद्र मोदी को इतना पसंद करते हैं? हमारा स्कूल बनवाया है इसमें। आपका स्कूल बनवाया? हाँ। बार बार जो राहुल गांधी वो तो डरपोक बोलते हैं नरेंद्र मोदी को, क्यों? वो खुद डरपोक है, खुद डरपोक है। हाँ, जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो महंगाई हुई थी, पेट्रोल का दाम बढ़ गए थे, तब क्यों नहीं बोला? मोदी की सरकार आई तो पेट्रोल का दाम घट गए और स्कूल भी बनने लग गए, हर जगह बढ़िया चीज होने लगी। आप क्या बोलोगे कौन बनेगा? मोदी। क्यों बनेंगे मोदी? बेराना। तो आज हम बच्चों से जानेंगे वो क्या सोचते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और उनसे पूछते हैं डरपोक कौन है। आपका नाम? प्रियांशु शर्मा। तो आप बताओ डरपोक कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्यों ये नहीं पता। आप क्या बोलोगे कौन है डरपोक? राहुल गांधी। केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल आपको पसंद नहीं है? क्या करता है केजरीवाल? केजरीवाल आपका चाहते प्रधानमंत्री कौन बने भारत का? प्रधानमंत्री मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बताओ कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मैं। आपके चाहते कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? आपको लगता है शिक्षा? हमारे लिए जैसे घूमने का मौका मिला, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे तो उसके लिए नोटबंदी करवाया, उनका सारा ब्लैक मनी बाहर निकल रहा है, वो कभी बकरियों को खिला रहे कभी जला रहे हैं। वाओ, आप तो बड़े समझदार हो। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आएंगे? हाँ, मेरे को पक्का आएगा। बनने का बेटा क्यों आएगा? नरेंद्र मोदी पक्का आएगा, क्योंकि ना वो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है। आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आपको ज्यादा जान, आपको चाहते हो कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? मैं किसी को नहीं चाहता। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? वो इतने युवा है, राहुल गांधी संभाल सकते हैं भारत को? नहीं संभाल सकते। आपको क्या लगता है राहुल गांधी बन जाएगा प्रधानमंत्री? बन जाएगा, बन जाएगा। आप क्या बोलोगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हाँ। और आपको क्या लगता है राहुल गांधी नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? बन सकते हैं राहुल गांधी, बन सकते हैं। राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर, डरपोक ऐसे वर्ड्स कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? लुका बहुत बेकार। नरेंद्र मोदी बनेंगे, वो नहीं बनेंगे। बार बार प्रधानमंत्री को राहुल गांधी चोर, डरपोक बोल रहे हैं, क्यों डरपोक बोल रहे हैं? इसलिए नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जैसे काम करते ही नहीं है। करेंगे तो बन सकते हैं वो भी। अच्छा, कर सकते हैं वो? कुछ काम नहीं करते? करते हैं, निकल वैसे नहीं करते जैसे नरेंद्र मोदी करता है वो। तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप बोल रहे बहुत कुछ करे, लेकिन बार बार उनको तो डरपोक बोल रहे राहुल गांधी, क्यों? क्यों डरपोक? उसको चिढ़ाने के लिए बोल रहे, नहीं तो वो नहीं चिढ़ेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2019 में? ये बताएंगे नरेंद्र मोदी शायद। नरेंद्र मोदी क्यों? आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी क्यों बनने चाहिए प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से तो सही है वो, उन्होंने हमारे लिए कुछ। राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को चोर, डरपोक ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही कि और किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, क्या पता कौन बन जाए, किसी का किसी का फाइनल नहीं है। आप क्या कहेंगे कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री 2019 में? राहुल गांधी शायद बन सकते हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं और वे अच्छे काम को ऐसे और डरपोक कहना ये किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। वैसे तो बार बार राहुल गांधी डरपोक बोल रहे हैं, आपको लगता है राहुल गांधी डरपोक बोलना सही है उनको? आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं किसी से? नहीं, ऐसे तो नहीं है, डरते नहीं है किसी से, लेकिन फिर भी ऐसे बोलने नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी लग रहा है कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए मोदी? क्योंकि वो हमारे सरकार को अच्छे से चला सकता है। अच्छे चला सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल म्यूट हूँ, राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? नहीं। राहुल गांधी की दीदी भी चोर है, वो बेल पर बाहर है। राहुल गांधी सारा चोर। आप क्या बोलेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2019 में कौन बनेगा?
मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं क्या बता सकती हूँ। एक ही बात बोलूंगा, राहुल गांधी बनेगा हमारा। क्यों आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्यों बनेंगे? वो अच्छी चीजें कर रहा हमारे देश के लिए। राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर चोर और डरपोक बोल रहे हैं, इसके बाद उन्होंने 5 मिनट का वो दिया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी 5 मिनट तक टिक सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने? बेशक जी, बिल्कुल। क्यों आपको ऐसे क्या काम लग रहे हैं, उन्होंने क्या किया आज तक हमारे लिए जो आपको लगता है? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? लेकिन भी तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2019 में? मोदी क्यों बनेगा? वो देश के लिए अच्छे काम कर रहा है। देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी के बारे में क्या बोलेंगे? वो मुसलमान है। राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं। कौन बनेगा? मोदी बनेगा। क्यों बनेगा मोदी? क्योंकि मुसलमान था। महात्मा गांधी 150वीं जयंती पे क्या हम प्रण करें हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, सारे जगह गंदगी का नाम और निशान नहीं मिलेगा? तो आप क्या राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी। पूनम बाला, आपको क्या लगता है राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी को डरपोक बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कौन है डरपोक? राहुल गांधी डरपोक है। क्यों डरपोक है राहुल गांधी? मोदी जी अच्छा प्रधानमंत्री बन सकते हैं और दोबारा उन्हीं को आना चाहिए। राहुल गांधी बार बार राफेल का मुद्दा चिल्ला रहे हैं, वहीं जो बोलते हैं लोकसभा में राज्यसभा में वो जवाब दे चुके हैं नरेंद्र मोदी राहुल का, उसके बाद भी वो डरपोक चिल्ला रहे, तो आपको क्या लगता है क्या सोच है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की सोच बहुत ही छोटी सोच है और उन्होंने मोदी पे जो उंगली उठाई है, मोदी जी पे उंगली उठाई है, तो वो अच्छा नहीं किया है। तो जनता जवाब देगी, जो भी उनका फाइनल डिसीजन होगा वोट में पता चल ही जाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो सारे प्रधानमंत्री बनेगा कौन? मोदी जी बनेंगे जी, बिल्कुल। अच्छे हैं, सारा वर्ल्ड उन्हें पसंद कर रहा है, हम भी पसंद करते हैं, अच्छी इकनॉमी हमारी हुई है देश की और हर कोई उन्हें पसंद करता है तो हम भी पसंद करते हैं, काम अच्छा है उनका और तरक्की कर रहा है। हम यहीं दिल्ली से आए हैं। तो आप केजरीवाल पे क्या कहेंगे? केजरीवाल पे तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, पर सो है, जो शीला दीक्षित जी थी और वो अच्छी थी, पर केजरीवाल सो है। अच्छा काम नहीं करे केजरीवाल? नहीं, फेंकते हैं बहुत। इतना फेंकते हैं कि इसकी कोई हद नहीं, और हम तो दिल्ली के ही रहने वाले, यहीं पैदा हुए, तो हमें नहीं लगता कि कुछ किया है। आपको नहीं लगता? नहीं, कुछ की नहीं है। आपको यकीन नहीं है, महीना दो महीना सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। बात हो रही थी, उन्होंने अभी जो बोलते मौलवियों की 20,000 सैलरी कर दी है या बढ़ा दिया, बहुत बड़ा इजाफा किया है, वहीं एमसीडीए कर्मचारियों को वो लोग सैलरी नहीं दे पा रहे, इस पे क्या कहेंगे? बहुत गंदगी देखते हैं हम लोग, सारे पूरे आनंद विहार वगैरह उस तरफ, हम पूर्वी दिल्ली की तरफ रहते हैं, महीनों कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है और हड़ताल पर चले जाते हैं वो लोग। नहीं, कुछ नहीं होता। आप, मैं तो नहीं उसमें उनका सपोर्ट करूंगी बिल्कुल भी। आगे ना बोलता मैं, हम आई टीचर से बोल दो, हम आई टीचर से पूछ लो, टीचर से। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लो। आपका नाम? मैडम ब्रजेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं, बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैडम, जो आदमी खुद डरपोक है वो आदमी दूसरे को क्या डरपोक बोलेगा? नरेंद्र मोदी तो हमेशा शेर रहा था और शेर है, जो कि आज उसके प्रति पूरा देश इकट्ठा हो गया उसको सिर्फ गिराने के लिए। एक शेर के आगे किसी गीदड़ की नहीं चल रही है आज के दौर में, नहीं चल रही है। तो आप क्या बोलेंगे 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पक्का नरेंद्र मोदी बनेंगे। 22 नेता है, ममता बनर्जी जी। मैडम, कितने भी ये इकट्ठे हो जाए फिर भी नहीं देश को तोड़ पाएंगे। देश उखड़ रहा है बिल्कुल। बार बार जितने गठबंधन होने की बात कर रहे हैं उसमें क्या कहेंगे? कुछ नहीं मैडम, गठबंधन कुछ नहीं करेगा इसमें, कुछ नहीं कर पाएगा। कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? मुन्ना भेरा। मैं उसको पसंद करते हैं। वैसे मोदी को कोई पसंद लगे तो मैं भी पसंद आ सकता हूँ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी।
क्यों बनेंगे मोदी? क्योंकि मोदी के पास तजुर्बा है, वो उस काम को सही कर सकता है। और अभी राहुल गांधी जवान है, उसको अभी टाइम लगेगा इनमें आने में अभी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी भी कार्यभार नहीं संभाल? राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री को डरपोक बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे डरपोक बोल रहे, बोलने तो वोट के बाद पता चल जाएगा कौन डरपोक है। आप बताओ कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री? मैं, हम लोग बनेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी के लिए हम। अरे नरेंद्र मोदी अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो ना, तो बड़ों में से कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी बनेंगे। क्यों नरेंद्र मोदी आपको अच्छे क्यों लगते हैं? हम, हमारे लिए बहुत सुविधा करते हैं। क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत सुविधा करते हैं। बहुत सुविधा करते हैं, क्या क्या सुविधाएं करी आपके लिए? हमारे लिए कानोली बनवा दी गई है, और जहाँ गांव में लेटरिन बाथरूम नहीं थी वो भी सब लेटरिन भी बन चुकी है। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है विकास कर रहे हैं? नहीं, विकास कर रहे हैं मतलब वो कुछ कर रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हाँ हाँ। और राहुल गांधी के लिए क्या बोलेंगे? अब मेरे सर बुला रहे हैं, बात